पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित देश के संविधान के पन्नों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही संविधान के पन्ने जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दलित समाज सड़क पर उतर आए। विरोध के इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंत पार्क से एक विरोध जुलूस निकाला। ये जुलूस पंत पार्क से निकलकर महानगर के विभिन्न प्रमुख चौराहों से होकर वापस पंत पार्क में समाप्त हो गया। इस दौरान छात्रों ने बैनर, पोस्टर तथा स्लोगन के माध्यम से संविधान के पन्ने जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव ने कहा, संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उस जंतर मंतर पे जिस तरह से राष्ट्रद्रोही और संविधान विरोधी तत्वों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, उसी के विरोध में है। हम छात्रों के प्रतिनिधि और तमाम छात्र यहाँ पर खड़े होकर यह बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के द्वारा जो यहाँ के नागरिकों को अधिकार और संरक्षण प्राप्त किया है, उसके खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो हम छात्र इसी तरह आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे।